नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल कीड़ा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 47 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकेंड। स्टार्ट। महोदय, इस उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हों और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो, अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण न तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और न ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे। 21वीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र शमशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बन रह जाएगा। लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। वायु, जल, वनस्पतियां और पशु पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं जिन पर उसका भविष्य निर्भर करता है। सार्वभौमिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे विधिवेत्ता और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, प्रदूषण मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वाहित मल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल केंद्र सरकार और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तथापि इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमति से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है और अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जांच और मुआयना करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्य स्तरीय जल प्रयोगशालाओं की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। वाहित मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है। यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। महोदय, विधिवेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण